हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम मस्त हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? एक्चुअली क्या होता है ना, आवाज़ नहीं आती है, इसलिए मुझे ईयरफोन को ऐसे करके टक करके लगाना पड़ेगा। पता है, जब मैं ऐसे लगा रही हूँ ना, मुझे अपने कॉलेज के डेज याद आ रहे हैं, जब मैं संदीप जी से बात करती थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी, मैं अभी भी करती हूँ। तो ऐसे ही ईयरफोन लगा के ऑल टाइम स्टडी टाइम ऑल टाइम 24 आवर्स बोल सकते हैं, सोते वक्त भी ऐसे ही लगा के सोए रहते थे, तो वो याद आ रहा है मुझे। और मेरी एक फ्रेंड थी, वो भी ऑल टाइम ऐसे ही रहती थी। ओह, मैंने पति का नाम लिया और मेरे पति का फोन आ गया। हेलो, बोलो। हाँ हाँ बोलो। हो गया, कितनी प्यारी। आज दिल्ली में बारिश हुई और अमेजिंग वेदर था। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा था कि मैं उठूं और कुछ करूं। मैंने वीडियो भी शूट नहीं करी। और मैं अभी बना रही हूँ आलू के पराठे। आलू चढ़ी हुई है, आटा लगा के रखा है मैंने अच्छे से, और यहाँ पे काम चल रहा था, जो कचरा दिख रहा है आपको। लहसुन छील लिया, मिर्ची रखी है मैंने, आधा प्याज, एक प्याज टोटल, प्याज, नील लहसुन, आटा निकाल के रखा है बस। और थोड़ा साफ कर रखा है ना मैंने अपने वर्क स्टेशन को, बहुत मेहनत लगती है साफ करने में, कर रखा है लेकिन। बट अभी मुझे ये साफ सुथरा करना है, कटिंग करनी है, और फिर वो यहाँ पे ये आज चीनी रखने, मैं अभी पैकेट खोला है, अभी थोड़ी देर में उसको डब्बे में डाल दूंगी। आप ये मत सोचिए कि मैं वहीं छोड़ दूंगी। तो फिर मैं भी बस ये काम कंप्लीट करके रेडी करके फिर आगे का प्रोसेस बताती हूँ। तो बस अभी तक तो इतना ही हुआ था, और आगे देखते क्या क्या करती हूँ। और जैसे मैंने बताया कि मैं आलू पराठे बनाने वाली हूँ, आज वेदर भी अच्छा है तो आलू पराठे खाने का मन भी है, तो बताते हैं। मैं सोच रही हूँ बालकनी में जाऊँ, बालकनी का व्यू देख के आते हो कैसा है, अच्छा भी होगा ना, तो फिर उसको शूट करेंगे। मेरा मन ही नहीं कर रहा यहाँ से, जो मन करे उसी के पास जाके अटक जाऊँ। देख लो कितना प्यारा व्यू आ रहा है बालकनी को। टड़ा, सामने में खाली प्लॉट है, पर ये सबसे प्यारा लग रहा है मुझे। मतलब मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाई इस व्यू के सामने, कि मुझे आना ही था यार। बहुत प्यारी प्यारी हवा चल रही है। इस साइड बिल्डिंग है, इस साइड बिल्डिंग है, बीच में मेट्रो स्टेशन है, पूरा खाली। ऑसम व्यू आता है, मॉर्निंग का व्यू भी प्यारा आता है, इवनिंग भी कितना प्यारा प्यारा लग रहा है। मैं ना खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई इसलिए मैं आ गई। ये कचरा दिख रहा है ना पीछे, ये पूरा खाली रहता है, यहीं से हमें बहुत प्यारी प्यारी व्यू आते। कचरा है तो क्या हुआ, पेड़ पौधे तो है ना, इंडिया में रहते हैं तो थोड़ा कचरा तो हमें बेयर करना पड़ेगा। पर फिर भी बहुत हद तक यहाँ पे सफाई हो रही है, और ये काफ़ी साफ था पहले, अभी कुछ दिन से गंदा हो गया। मन ही नहीं कर रहा कि घर के अंदर जाओ, यहीं पे खड़ी रहो मन कर रहा, क्यों नहीं मैं पहले आ गई। थोड़ी देर पहले बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत तेज हवा थी, तो पर मुझसे नहीं जाया जा रहा। मैं थोड़ी देर यहीं पे वेट करती हूँ, रहती हूँ। ये वेदर बहुत प्यारा है, इसे एंजॉय करते हैं। चाय मैंने पहले ही पी ली थी, तो चाय पीने के लिए अभी है नहीं, तो अभी कुछ नहीं, अभी बस थोड़ा सा। वैसे एयर क्वालिटी अच्छी नहीं है, फिर भी मैं ऐसे कर रही हूँ जैसे कि पूरा ऑक्सीजन मेरे फेफड़े में चला जाएगा। अच्छी है, आज हमने बहुत दिन बाद ही थी, ठंडी ठंडी हवा चली गई, दिल्ली में इतनी गर्मी थी, बहुत प्यारी हवा चल रही है, मुझसे रहा नहीं जा रहा है, मैं क्या करूं, कैसे दिखाऊं आप लोगों को, तो दिखा रही तो कचरा दिख रहा है, जा रहा है ना। मैंने अनियन कट कर लिया, गार्लिक कट कर लिया, चिली कट कर लिया, आलू छिल के अच्छे से, मतलब बॉयल करके मैंने अच्छे से छिल लिया, और बहुत अच्छे से बॉयल किया था आलू को। और यहाँ पे इतनी अनियन की जरूरत नहीं पड़ी, कढ़ाई गरम कर ली है, अब इसमें नॉर्मल मसाले वसाले डालूँगी,
वहाँ काम करूँगी। मैंने जीरा में ये क्या बोलते हैं इसको, ब्लैक पेपर डाल रखा है, तो इसलिए मुझे बीच के ऐसे साइड करना पड़ेगा। निकाल लिए एक तो सा जीरा, तेल गरम है, गरम है अच्छे से, गरम डाल दिया। अब इसमें सबसे पहले मैं डालूँगी लहसुन, ताकि वो अच्छे से भून जाए। डाल दिया, थोड़ा लहसुन ज़्यादा डाला है मैंने, क्योंकि मेरा मन था थोड़ा एकदम लहसुन ही आलू पराठा खाने का, लहसुन की कमी नहीं महसूस होनी चाहिए मुझे, इसलिए मैंने ढेर सारा लहसुन डाला है। अब ये भुनेगा, ये मैं तब तक भूनूंगी जब तक हल्का हल्का रेड ना हो जाए, मुझे मन है थोड़ा अच्छा से लहसुन खाने का। भुने, मैंने नमक पहले ही डाल दिया था जब लहसुन भून रही थी, और अब सब अच्छे से भूनूंगी मैंने। लहसुन अच्छे से भून लिया, आप देख रहे हो ड्रड ड्रड हो गया ना, मस्त कुरकुरी कुरकुरी। अब इन्हें अच्छे से भूनने दूंगी, फिर इसमें आलू डाल दूंगी, बस हो गया मेरा आलू पराठा का मसाला तैयार। ये बिहारी टाइप का आलू मसाला तैयार है। अब इसे मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी, ये हाथ से नहीं होने वाला, ये कढ़ाई गिर जाएगा, तो दो हाथ से मुझे करना पड़ेगा। मैं ये बस ऑलमोस्ट भून चुका है, इसे मैं थोड़ा ठंडा होने दूंगी, फिर मैं इस पर पराठे बनाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि गर्म गर्म में पराठे अच्छे नहीं बनते। फाइनली मसाला तैयार। बहुत मिस कर रही हूँ घर के समोसे आलू चॉप को, पर क्या कर सकती हूँ, यहीं पे रहना है, यहीं की चीज़ों को पसंद करना है। वैसे मुझे समोसे यहाँ के पसंद नहीं है, आलू चॉप यहाँ मिलता नहीं है, यहाँ पे कुछ पसंद नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ मोमोज मिलते हैं, मोमोज 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 खाते रहो, डम्पलिंग मोमोज बन जाओ। ये देखो आप, मेरे कप का सेट है, ये हैप्पीनेस वाला है, ये हांडी है, संदीप जी का कप है, ये नॉर्मल मग टाइप का है, हॉट चॉकलेट टाइप का, ये कपल दो है, ये दोनों कपल वाले हैं, और भी एक कप है जिसमें मैं अभी पानी पी रही हूँ। देखो ना इधर कितना प्यारा लग रहा है उस साइड का, मैं क्या करूँ, मैं रह ही नहीं पा रही, इतनी प्यारी वेदर हो रही है, मैं थक गई, बहुत गर्मी हो रहा है। अब जब तक आलू ठंडा नहीं होगा तब तक मैं नहीं बनाऊंगी, फिलहाल तो पानी पीने जा रही हूँ। सोचा बैठ के थोड़ा पानी पी लूँ। पानी पी लिया, हाफ एन आवर वेट करूंगी आलू को ठंडा होने का, फिर फटाफट पराठे बनाऊंगी, उसके साथ मैं कुछ नहीं, उसके साथ बस पराठे ही रहेंगे और सॉस, मुझसे नहीं होता पराठे के साथ सब्जी बनाना, मैं पराठे के साथ सॉस पसंद करती हूँ, चटनी पसंद करती हूँ टमाटर वाली, पर सब काम नहीं होगा मुझसे, ऐसे पराठे बनाऊंगी चटनी के फिर कैसे। घर पे रहती थी ना तो माते को बोलती थी, माते चटनी दो मुझे टमाटर की आलू वाली चटनी, तो वहाँ बोलती खुद बना ले, तो माँ पराठे बनाती मैं चटनी बना लेती, हो जाता है, यहाँ पे सारा काम खुद ही करना है। तो फिर रहन दो यार, पराठे ही खा लेंगे सिर्फ आलू वाली चटनी को छोड़ कर।
कितनी होंगी जो मेरी तरह होंगी, घर पे थी तो मम्मी ये खाना मम्मी वो खाना, और अब शादी के वक्त कुछ भी बना लो खा लो। प्लीज कमेंट में बताना ओके। और जो भी नए हैं इस चैनल पे, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें, आगे तक पहुंचाएं मेरे चैनल को। और बस अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करना, और बस अच्छा लगता है। तो मैंने कुछ बॉल्स बना लिए थे आटे के, ये हाथ से ही करना है, तो जैसे ऐसे कर लिया मैंने अच्छे से। ये मेरी मॉम ने सिखाया ऐसे करना, मुझे आता भी नहीं था। मैं तो शादी के बाद ये आलू के पराठे बनाने सीखे हैं, इससे पहले सिर्फ मसाले बनाती थी, आलू के पराठे मम्मी बनाती थी। ऐसे लिया मसाले को ऐसे करके एक बॉल की तरह शेप में देके, जस्ट स्पून से, सॉरी गाइस वहाँ एक ही हाथ से कर रही हूँ तो थोड़ा सा लैग हो गया, इस पे डाल दिया, हो गया। अब मैं वीडियो रोक के फिर मैं इसको एक अच्छा सा बॉल बनाती हूँ। बेल लिया मैंने अच्छे से, मैं कोशिश करती हूँ एक हाथ से डालने की, अगर नहीं हुआ तो दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे मुझे, थोड़ा मोटा बनाया, नहीं होगा ट्राई कर, दोनों हाथ से ही डालने पड़ेंगे। तो तवे पे डाल दिया मैंने, और इसे बनने देंगे एक साइड से अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, मेरे पराठे बन गए हैं, एक दो अच्छे फोटो उठा लूँगी पराठे के ताकि थंबनेल बनाने में काम आ जाए। और अब मैं जा रही हूँ, आपने जस्ट देखा यहाँ पे बहुत कचरा फैला हुआ है, सबको साफ करना है मुझे, ये सब साफ करके बर्तन धो लूँगी मैं। और एक चीज़ दिखाना है मुझे, ये एक मैंने न्यू थिंग बाई किया है ऑनलाइन, पानी निकालने के लिए बेस्ट चीज़ है, ऐसे बटन टिपो और बाहर आ जाता है पानी, टेंशन फ्री ऐसे ढालने का। तो बस एक थोड़ा अच्छा चीज़ मैंने बाय कर ली अपने लिए, थोड़ा अपने वर्कलोड को कम करने के लिए। और अब बस इतना ही, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, और गुड नाइट, टाटा।